नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मैं कंसल्टेंट हूं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं मेटल स्क्रैप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और डोमेस्टिक लेवल पे जो भी ट्रेडिंग सेलिंग परचेजिंग होती है उसमें मैं पूरी हेल्प लोगों की करता हूं, उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करता हूं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो में क्या कमी थी, अगर अच्छी लगी वो भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं MSTC का थर्ड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि ऑक्शंस कैसे किए जाते हैं, रेटिंग कैसे कोड किए जाते हैं और ऑक्शंस करने के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। और लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि ऑक्शंस लाइव कैसे किए जाते हैं। इसमें किसी भी एक टेंडर को सेलेक्ट करना है जो लाइव चल रहा हो, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे जो बड़ा टेंडर होता है उसमें आपको EMD जमा करना पड़ता है, जब EMD जमा करोगे तभी उसमें एंट्री होगी। अब जैसे ये वाला है, ये खुल गया ट्रांसफार्मर का, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ऑक्शन है, तो इसमें आप इसकी जो EMD आपको प्रीबिड EMD जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसमें टेंडर डाल सकते हैं। तो मेरा इसमें डला हुआ है, तो मैंने इसमें ये डाल के यहाँ पे बिट पे अपना एक नंबर डाल के जो मेरे को ऑक्शन करना है उसका नंबर डाल के, जितना चल रहा है उसके ऊपर, उससे कम नहीं डाल सकते। जैसे 4000 चल, 4000 के ऊपर डालना, 3999 नहीं डाल सकते आप, ठीक है। इसके करने के बाद आप बिटिंग पे बिट पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसकी पूरी बिड हिस्ट्री देख सकते हैं, कब से स्टार्ट हुआ, तो कितनी बिडिंग से स्टार्ट हो रखा है। ये जो करंट में मैंने बिडिंग डाली है वो सबसे टॉप पे आ गई है। अब इसके ऊपर कोई डालेगा तो उसकी बिडिंग टॉप पे आ जाएगी। और बिडिंग जब भी डालें बहुत सोच समझ के डालें, और बिडिंग का जो अगर टाइम क्लोज होता है, ये टाइम क्लोज का रेड निशान आ रहा है ऊपर, ये क्लोज होने वाला है। अगर 10 सेकंड के अंदर कोई और डालता तो 5-10 मिनट आगे बढ़ जाएगा। और ये पूरी बिडिंग हिस्ट्री है इसकी, आप यहाँ से देख सकते हैं किसने क्या क्या रेटिंग कब से स्टार्ट की है, ये पूरी डिटेल इसमें रहती है। ये सारे ऑक्शंस जो रेड निशान आ रहे हैं, ये ऑक्शन क्लोज होने वाले हैं। ये मैंने एल्युमिनियम का डाला था, कंडक्टर कॉइल स्क्रैप ये सब का डाला है मैंने, ये उसकी पूरी डिटेल है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी ऑक्शन डाल सकते हैं लाइव, जो भी होता है। इसमें जो लॉट नंबर होता है वो साइड में रहता है, ठीक है। और किस चीज़ का आप ऑक्शन डाल रहे हैं ये खासकर आप ख्याल रखें कि अभी भी ऑक्शन डाल रहे हो बहुत कूल माइंड होकर आपको ऑक्शन डालना चाहिए। कोई बिडिंग बढ़ा रहा है तो बिडिंग बढ़ाने पे नहीं जाना है, हमेशा लॉस होता है। आपका जो भी रेट है उसको पहले अपने दिमाग में सेट करना है, लिख के रखना है, फिर उसी नंबर को आपको डालना है। अगर उसके ऊपर जा रही है तो भाई आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन लेबर ये भी गिनना है, डिलीवरी ऑर्डर देखना है, टैक्सेस देखने हैं, वो सारी चीज़ देखने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ही ऑक्शन में बैठना है। अगर आप उसके कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ आप ऐसे ही डाल रहे हैं, दूसरा कोई बढ़ा रहा है तो आप भी बढ़ाने में लगे हैं, तो भाई साहब वो उसका नुकसान नहीं, इसमें नुकसान आप ही का है। तो दोस्तों, ऑक्शन करते टाइम बहुत सोच समझ के और समझ के करना चाहिए, सोच समझ के ही करना चाहिए, और कभी भी तैश में आके इसमें आपको ऑक्शन में नहीं बैठना चाहिए ना ये करना चाहिए, क्योंकि अगला कॉम्पिटिटर आपका बस बढ़ा रहा है वो रेट को, और आप भी लगे हो, जैसे किसी ने 10 डाल दिया, आपने 12 डाल दिया, फिर वो 13 डाल दिया, फिर आपने 14 डाल दिया, ऐसे करते करते जिस चीज़ की कीमत ही 20 रुपये है आप 19 पे आके थोड़ी खरीद सकते हो। कई लोग करते हैं, कई लोग इसके भी ऊपर चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि जब नए होते हैं लोग, उन्हें ऑक्शंस की पूरी जानकारी नहीं होती है, पहली बार करते हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि उसको थोड़ा टिप्स मिल सके। अगर आपको ऑक्शंस भी करना तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई इसमें इशू नहीं है। ऑक्शंस कोई बड़ी बात नहीं है, उसका रेटिंग का खेल है पूरा। जो इसकी रिजर्व प्राइस होती है उस रिजर्व प्राइस को उसके ऊपर डालना पड़ता है, रिजर्व प्राइस के नीचे रहेगा तो कभी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और आप ऑटो बिडिंग भी कर सकते हैं। ऑटो बिडिंग में क्या होता है, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपने बिडिंग डाल दी है तो उस टाइम पे वो बिडिंग लग जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ऑटो बिडिंग का ये फ़ायदा होता है। मैं भी इस चीज़ का ऑक्शंस का, जब भी मुझे कोई चीज़ खरीदना होता है तो मैं उस कैटलॉग पे ऑटो बिडिंग लगा देता हूँ, 2 रुपये या 3 रुपये इंक्रीमेंट पे लगाता रहता हूँ मैं, और एक टाइम फिक्स कर देता हूँ, तो ऑटो बिडिंग पे वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं ना और आपके पास टाइम नहीं होता है, या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मेरा ज़्यादातर टाइम ट्रैवलिंग में निकलता है, तो मैं ऑटो बिडिंग का ही सारा लेता हूँ,
बहुत फ़ायदेमंद भी होता है और कई बार नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि गुंजाइश है कि मैं उससे ज़्यादा डाल सकता हूँ, तो उस टाइम पे आपका ये ऑटो बिडिंग सिस्टम बेकार है, तो लाइव ही करना आपको फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप माल उठाने बाहर गए हैं तो आपको ऑटो बिडिंग लगाना पड़ता है। ऑटो बिडिंग भी सोच समझ के लगाएं, क्या पता वो उसके नीचे कोई खरीद ले, लेकिन फिर भी आपका हाइस्ट बिट जाएगा क्योंकि आपने ऑटो बिडिंग लगा रखा है, वो रेट एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। ये देखिए ACSR कंडक्टर वायर का ऑक्शन का है ये इसका जो रेट जा रहा है अभी 99 चल रहा है, लेकिन ये 120 तक जाता है आज के रेट, क्योंकि कंडक्टर का जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ कंडक्टर का रेट 160 रुपये पर केजी है, होलसेल रेट मैन्युफैक्चरिंग वाला। अगर इसको मैं 119 में भी 120 में भी खरीद लेता हूँ तो भी मेरे को 10-15 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी थी लाइव बिडिंग कैसे की जाती है, और इंपोर्ट में भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो इंपोर्ट में इतना काम नहीं हो पा रहा है, लोकली हम लोग ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं अभी करंट में। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं कि ऑप्शंस में कभी भी आप ऑप्शंस करें तो आप पहले उस मटेरियल को जाके पर्सनली देखें, अगर आप नहीं देखते हो तो ये माना जाता है कि आपने देख लिया है गवर्नमेंट की नज़र में, तो उसको पक्का जाके देखें समझें उस चीज़ की, लॉट को पूरी डिटेल लें, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही माल है कि नहीं, वहाँ के जो डिपो मैनेजर हैं उनसे जाके डायरेक्ट मिलें, आप उनके साथ मेटल इंस्पेक्शन करें, उसके बाद ही आप ऑप्शन डालें, नहीं तो जब लॉस होता है तो आप ही का होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता, उनका उसमें फ़ायदा ही होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो मुझे ईमेल आईडी पे अपनी इंक्वायरी भेज सकता है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उसमें मुझे अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आप मेरे से पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ईयरली बेस्ड मैं आपको पूरा ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ और आपका बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करता हूँ, तो उस वो भी लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में कोई डिटेल है आप जाइए वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, पहले व्हाट्सअप कीजिए फिर मैं आपको कॉल खुद लगा लूँगा या आप मुझे कॉल कर सकते हैं खुद ही। तो दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।